मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की कड़ी निगरानी की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से ही एक कोरोना का मरीज फरार हो गया है। महाराष्ट्र के चिंचवाड़ा में एक अस्पताल की बेड से कोरोना संक्रमित मरीज भाग गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। ये घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। देखिए, कोरोना संक्रमित मरीज बीच में खड़ा है और उसे घेराबंदी कर पुलिस और अस्पताल के कर्मचारी खड़े हैं। दरअसल अस्पताल प्रशासन को जैसे ही पता चला कि कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल से भाग गया है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों के साथ पुलिस इस कोरोना संक्रमित मरीज की तलाश में जुट गई। जैसे ही ये मरीज दिखाई दिया, इसे घेराबंदी कर लिया गया और एम्बुलेंस बुलाई गई। मरीज को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी गई कि आखिर ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, जिसके बाद मरीज वापस एम्बुलेंस में बैठ गया और इसे अस्पताल पहुंचाया गया। 14 तारीख को भोसरी हॉस्पिटल से एक पेशेंट चला गया था हॉस्पिटल के बाहर, जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। बाद में वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे उनके ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद पुलिस और आरोग्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उसको ढूंढने की कोशिश की तो फिर बाद में वो मिला, और बाद में वो मिलने के बाद वापस उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।